नमस्कार साथियों, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। वो फ्लाइट लेट हो गई थी। हमारे सामने जो आपके बैठे हैं मेरे साथी अजय राय साहब, मेरे मित्र प्रदीप नरवल जी, को इंचार्ज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और जाने माने चेहरा आपके सामने है इमरान मसूद साहब का हम स्वागत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रदीप भाई से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं मीडिया के सभी बंधुओं का। साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक व्यापक माहौल बना और आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी नेता और पूरी जनता एक बात मानती है, यदि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रूप निभा रही है वो कांग्रेस पार्टी है। तो आज अजय राय जी यहाँ पर हैं, पवन खेड़ा जी और हमारे भाई इमरान मसूद जी यहाँ पे हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं। तो मैं पश्चिमी यूपी का प्रभारी होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते इमरान भाई का स्वागत करता हूँ। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनता है और नेता है दोनों ही लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में कई बड़े नेता भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में आएंगे। आज इमरान भाई यहाँ पे आए हैं तो मैं बहुत लंबी बात ना रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट अजय राय जी। सभी सम्मानित, हमारे मंच पे बैठे हमारे नेतागण, पवन खेड़ा जी, नरवाल साहब, इमरान मसूद जी जो आज पार्टी में जिनकी सदस्यता हो रही है, और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले अपने मजबूत साथी का, भाई का पार्टी में स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर से ये एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और लगातार आम जनता की आवाज़, आम जनता की बात उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम सबको ज़रूरत थी और अपने परिवार में आए हैं, परिवार में इनका स्वागत है। जैसा भी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि राहुल जी की यात्रा के बाद से जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है, और उसका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, लगातार पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके सामने आने वाली है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी मजबूत लोग हमारे उसमें हमारे साथ ये लोग आने वाले हैं, और उसमें हर वर्ग, और मैं कहूँगा कि हर मजबूत जो लीडर हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से, प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहाँ भी जोन में मीटिंगें हुई मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है, उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं इमरान मसूद जी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। मैं राजीव शुक्ला जी से भी आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। देखिए, कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है। तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं,
और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, अच्छा जज्बा, अच्छी भावना है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बाकी तो आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सारा विस्तार से बताया। और यहाँ प्रदीप नरवाल जी बैठे हैं, वो भी पूरी कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और रोज जो संग्राम और संघर्ष है वो खेड़ा जी करते ही रहते हैं सुबह से। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का उत्थान शुरू हो गया है, देवभूमि से शुरू हुआ, अब निश्चित रूप से हम केंद्र में भी सत्ता में आएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे इमरान भाई से कि अपनी बात आपके सामने रखें और फिर आप के दोस्तों के कुछ सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं, फिर आपके सवाल। भैया पहले ज्वाइनिंग कराएं, पहले ज्वाइनिंग करा लें फिर आप बोलिए। आदरणीय पवन खेड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्या जी राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब चार स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूंकि अब मैं मानूंगा नहीं और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूंकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। और मैंने इस बात को बारह बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। खास तौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए।
तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सवाल। देखिए, उनकी नियत भी फिसल जाए तो चर्चा नहीं होती, या जबान फिसल जाए हो जाते हैं बदनाम। अब आप उन लोगों से सवाल करिए जिनकी नियत फिसली हुई है, जो देश पे की सत्ता संभाले हुए हैं। जबान फिसलने वालों को आप बार बार बदनाम कर देते हैं। यहाँ देश आहत हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है उन लोगों से जिनकी नियत फिसली हुई है। गलत बात कह रहे हैं। ऐसी बात मत कहिए जो मैंने नहीं कही, जो मैंने नहीं कहा आप मत कहिए, आप गलत बात मत बोलिए। मैंने नहीं, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, ये बात आप नहीं बोल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसका वजन है, मैं हवा में नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका वजन है। जो मैंने कहा है उसके ऊपर हमेशा कायम रहता हूँ। मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के लिए जो बोला था उस पर दूसरी पार्टियों में जाने के बाद भी कायम रहा। इमरान भाई जी, कांग्रेस तो आपका घर है, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी और आप सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। इस बार सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस के? निर्णय तो पार्टी का है साहब, इसमें तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं मंच पे, तो ये निर्णय पार्टी का है। जितने भी लीडर्स हैं सहारनपुर के, खास तौर से जो अभी विधानसभा भी लड़े थे 2022 में, उन लोगों का क्या कहना है? और जो आपसे रूठे हुए हैं वहां के लोग, सहारनपुर के आसपास के कोई लोग, रूठता नहीं है, उनको किस तरीके से जो है आप मतलब नहीं देखे, रूठना बनाना तो चलता रहता है, चलती है गुटबाजी भी पार्टियों के अंदर, तो उनका उनके उनको कैसे मनाएंगे? कोई रूठता नहीं है, और जितने रूठ रहे हैं सब मना करके घर आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, कोई नहीं रुकेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात आपने पूछी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर लेंगे। जो भी ऐसी बातें आएंगी वो हम लोग निश्चित तौर से, परिवार का मामला है, उसको ठीक कर लेंगे, और सबकी सहमति से फैसला है। जो भी उसमें और भी चीज़ें हैं उसको हम आपस में परिवार का मामला है, ठीक कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं, जब आदमी को अपने मन में, अपने दिल में नदामत होती है तो यही होता है, और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम रहूँगा। और 1.5 साल का दुस्वप्न था खत्म हो गया, अब नई पारी की शुरुआत है, अब नई पारी नई तरीके से करेंगे। पवन सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, आपसे एक सवाल है और एक राजीव शुक्ला सर से सवाल है। सवाल ये है कि खुद इमरान जी हैं समाजवादी, BSP होते हुए कांग्रेस में दोबारा से शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का मेंबर है आज की तारीख में कांग्रेस के साथ में, तो समाजवादी पार्टी नाराज नहीं होगी इमरान मसूद के दोबारा से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने से? दूसरा सवाल है राजीव शुक्ला सर से, अभी आपने कहा कि 4 राज्यों में आप जीतेंगे, मिजोरम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस हारेगी क्या? मैंने कहा कम से कम 4 राज्यों में जीतेंगे। शब्दों को समझिए ना, आप लिखते रहते हैं। आपने जो सवाल पूछा वो सवाल नहीं होता, एक स्टेटमेंट है। अब ये कांग्रेस में वापस आए
ये इनकी इच्छा से आए हैं, तो कोई नाराज हो कोई न नाराज हो ये कोई सवाल उठता नहीं है। ये जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी हमारे अलायंस का हिस्सा तो है नहीं बसपा, तो आप जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं, नहीं ये बसपा से, तो फिर वो तो पहले छोड़ के चले गए थे और ओरिजिनली तो ये हमारे ही हैं, अनपेड लीव पे गए हुए थे। पवन जी, पवन जी एक सवाल है, वेस्टर्न यूपी को लेकर लगातार एक अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, अभी संजीव बालियान ने कहा, फिर इमरान मसूद साहब का भी मैंने बयान सुना था, इन्होंने भी कहा कि अलग राज्य की हम मांग करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस मांग के साथ है अलग राज्य जो बनाने की मांग है? बालियान साहब के बयान पे तो उनकी पार्टी जो सरकार में उसको रिएक्ट करना चाहिए, तो केंद्र में मंत्री, केंद्र का मंत्री अगर कोई बात कह रहा तो उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए ना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि पहले सरकार की राय तो आने दो, ये तो सरकार के केंद्रीय मंत्री कोई ऐसा तो नहीं कि एमपी एमएलए मांग कर रहा, केंद्र का मंत्री बोल रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, तो पहले वो जवाब दें, विपक्ष का नंबर तो बाद में आएगा ना। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जब उन्हीं की पार्टी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही उनकी सरकार केंद्र में और प्रदेश में भी, चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जैसे कि आपको पता है कि जन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श होगा, इसलिए है वो तो एक प्रक्रिया सहज सहज नहीं, वो तो जो सीसी का जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी, क्योंकि हमारी प्रक्रिया भी उम्मीदवार चयन की शुरू हो चुकी है। नहीं वो तो उस समय देखिए ये मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी अब सीसी पे छोड़ दीजिए कि वो अपना एक कितने सीट करते हैं कितना कर पाते हैं, उनका पूरा एक आपको पता है एक फोल्डर होता है, फोल्डर में सबका डिटेल होता है, सबकी क्वालिफिकेशन होती है, उसके पिछले चुनाव के एक डॉकेट पूरा बनाया जाता है, उस लिहाज से होता है, उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं, हम मजबूत से मजबूत और बेहतरीन उम्मीदवार हर जगह देंगे। राय जी, बनारस को लेकर के आपने भी काफ़ी स्टेटमेंट दिया और सत्ता पक्ष से भी आया, वहाँ तो कार्यकर्ता है ही नहीं कांग्रेस का, फिर चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो आपने कहा जो यहाँ से हम हराएंगे उस वो किस आधार पे और कितने उस बात में आपको अपना विश्वास दिखता है? कांग्रेस के कार्यकर्ता देश और प्रदेश के हर शहर में हैं, हर जिले में हैं, और काशी विश्वनाथ की बाबा की नगरी वहाँ शुरू से कांग्रेस का वो स्थान रहा है। संपूर्णानंद जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री, सारे बड़े बड़े लोग हमारे वहाँ रहे। बीच का एक समय आया जिन्होंने थोड़ा झूठ ऊट बोलकर अपना मामला सेट किया था, अब झूठ की दुकान बंद होने वाली है, कार्यकर्ता हमारे दबा कर हैं, आप चिंता न करिए 2024 में उनको पता चल जाए। इमरान जी, अल्पसंख्यक समाज को कैसे आप जोड़ेंगे, क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज में एक जाना माना चेहरा है पश्चिमी यूपी से, उनको कैसे साथ में लेकर आएंगे? साथ में तो राहुल जी लेकर आ गए हैं, कहां मैं कहां लाऊंगा, साथ में तो लेकर आ गए हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दिलों को जोड़ने का काम किया उसका असर पूरे देश के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सपा के साथ में अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा है, और कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में तो है लोकसभा में अगर चुनाव होता है, लेकिन फिर भी एक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कैसे लेकर आएगी? इस वक्त राहुल जी लोगों के मन में राहुल जी की जो यात्रा है वो छपी हुई है और उसको आप देखने का काम करेंगे, आने वाले दिनों में सब दिखाई देगा। आप उसी
सीट से अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने की तैयारी पार्टी कर रही है। देखिए आप लगातार अमेठी को देख रहे होंगे और वहाँ की जनमानस, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान है, आम जनता की आवाज है। राहुल जी लगातार वहाँ से सांसद है, गांधी परिवार 40 साल वहाँ से सांसद रहा, कभी भी वहाँ पर बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। बना बनाया अस्पताल गरीबों की मदद कर रहा था, आम लोगों की मदद कर रहा था, उसको अनावश्यक रूप से उसको बंद करा दिया सरकार ने और पूरी उसके लाइसेंस कैंसिल करा दिया। वो तो मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आदेश से वो आज चल रहा है, गरीब आदमी का इलाज हो रहा है। कांग्रेस वहां हमेशा बनाने का काम किया, आम जनता की डिमांड है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी झूठ नहीं जनता से बोला, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या चुनाव के समय क्या कहा आपने देखा होगा स्टेटमेंट स्मृति ईरानी जी का, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा आपको, कमल का बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी ले लो। ये क्या वोट केवल जनता को हरवाने के लिए? हम निश्चित तौर से वहाँ की आम जनता आवाज है, बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे, आम आदमी की आवाज है ये। नहीं, मैंने मांग नहीं किया था, वहाँ की जनता की आवाज है कि जनता अगर वहाँ की आवाज देगी, आवाज वहाँ से चाहेगी, तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे प्रियंका जी के नाम पर। देखिए ऐसा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं और उस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि गठबंधन में किस सीट कितनी किसके पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे 80 सीट पे पूरी मजबूती से काम कर रहा हूँ। एक सेकंड राजीव जी, देखिए इंडिया गठबंधन बना है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी बैठकें हुई हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है, विपक्षी एकता हमें काफी मजबूत नजर आ रही है, तो इसलिए जो सीट शेयरिंग है उसका काम जब चुनाव नजदीक आएंगे तब शुरू होगा। तो ये चीज आला कमान पे छोड़ी जाती है, आला कमान बाकी जो इंडिया गठबंधन के लोग उनसे विचार विमर्श करके सीट तय करेगा। पार्टी अपनी जगह अपना काम हर जगह करना करती रहती है, क्योंकि पार्टी को संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करना होता है, पूरे देश में खड़ा करना होता है, तो अपना संगठन खड़ा करने का काम करते रहेंगे। बाकी सीटों का चयन पार्टी हाईकमान बाकी दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन है मिलकर करेगी। धन्यवाद, चाय का आनंद लीजिए।